एपिसोड के स्टार्ट में एमा और शैन को दिखाया जाता है जो मिसुमी की चोट ठीक कर रहे होते हैं, और ये सब ब्लैक स्पाइडर मिसुमी को बता रही होती है। मिसुमी कहते हैं, तुम कौन हो? वो कहती है, मैं हूँ ब्लैक स्पाइडर। मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट बना के ये फॉर्म हासिल करी है। मैं तुम्हें अपनी सोल और बॉडी ऑफर करती हूँ मास्टर। और उसकी शक्ल देख के मिसुमी डर जाता है। नेक्स्ट सीन में मिसुमी के पास शैन और ड्वार्फ आते हैं। मिसुमी कहता है, मेरे से बिना पूछे मेरे कॉन्ट्रैक्ट कैसे करवा दिया? शैन कहती है, एक बड़ी सी स्पाइडर तुम्हारा पीछा करे, उससे तो यही बेटर है ना। अब वो ड्वार्फ मिसुमी से कुछ बात करने को कहता है। शैन उसे बताती है कि ये कोई ऑर्डिनरी ड्वार्फ नहीं है, ये एक एंशियंट सबरेस का ड्वार्फ है जो फेमस और कीमती चीज़ें बनाते हैं, और ऐसे ड्वार्फ के नाम में एल्डर होता है। वो कहता है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ बैरन एल्डर ड्वार्फ। मिसुमी भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो कहता है, तुमने मेरे विलेज को ब्लैक स्पाइडर से बचा लिया, और एक रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें अपने लैंड पे ही रहने दे मिसुमी। और मिसुमी मान जाता है और कहता है, हमारे पास काफ़ी जगह है अगर तुम्हें ऑर्क से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। तभी शहन आके कहती है, लेकिन एक शर्त है हमारी, तुम्हें शहर बनाने में हेल्प करनी होगी और हथियार प्रोवाइड करने होंगे, और फ्यूचर में टैक्स भी पे करना पड़ेगा लैंड का, और मेरे मास्टर को अपना लॉर्ड बनाना होगा। और ये सभी चीज़ें ड्वार्फ मान जाता है और कहता है, मेरे लोगों को यहाँ लाने में 2 दिन लगेंगे मुझे। तभी शैन अपने स्केल्स देती है उसे और कहती है, ये ले जाओ मेरी तरफ से गिफ्ट। और वो कहता है, इससे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी क्राफ्ट्समैन को मनाने में। अब मिसुमी अपने पेरेंट्स के पाथ को फॉलो करने के लिए शैन की लैंड के बाहर ह्यूमंस को ढूंढने जाते रहता है हर दिन, और फाइनली उसे एक ह्यूमन विलेज भी दिखता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है ये देख के। लेकिन तभी शैन उसके पास आके कहती है कि मेरे साथ चलो, कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और नेक्स्ट सीन में कहती है, हमें नाम चाहिए, बिना नाम के यहाँ के लोग हमें कुछ नहीं बुला सकते। मिसुमी कहता है, तुमने इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया? शैन कहती है, कहना क्या चाहते हो? हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काफ़ी सोचने के बाद फिर मिसुमी जो है शैन को नाम देता है टोमोई, और कहता है, ये एक बहादुर फीमेल सामुराई का नाम था। और ये सुन के शैन जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी बॉडी चमकने लगती है। मिसुमी कहता है, तुम चमक रही हो। शैन कहती है, नाम मिलने के बाद मेरी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ब्लैक स्पाइडर कहती है तभी, अब मेरी बारी है डियर हस्बैंड। मिसुमी कहता है, हस्बैंड मुझे कुछ और बोलो, ये एक ऑर्डर है। और फिर इसके बाद उसे भी एक नाम देता है जो होता है मियो, और कहता है, ये कॉम्बिनेशन है जीरो और मेरे प्रिफर्ड एलिमेंट वाटर का। वो खुश होकर कहती है, मेरे नाम का मतलब जीरो और मास्टर का प्रिफर्ड एलिमेंट है, इसका मतलब तुमने मुझे अपना बना लिया है। मिसुमी कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिसुमी काफ़ी सारी स्पीशीज एक साथ देखता है और उन्हें देख के हैरान हो जाता है। शैन सबसे कहती है, सब सुनो, आज से मुझे सब टोमोई कहना। ब्लैक स्पाइडर कहती है, और मुझे मियो। और तुम हमारे मास्टर को कहोगे मी लॉर्ड, यंग मास्टर, या फिर योर ग्रेस। चलो वोट से डिसाइड करें। मी लॉर्ड कौन कौन बोलना चाहता है? थोड़े से लोग चिल्लाते हैं इस पर। फिर वो कहती है, यंग मास्टर। फिर थोड़े और ज़्यादा लोग चिल्लाते हैं, और फिर कहती है, योर ग्रेस। इस पर बहुत ही कम लोग चिल्लाते हैं। तो अब ये कहते हैं, तुम्हें यंग मास्टर बुलाएंगे हम। मिसुमी कहता है, नहीं मिसुमी ठीक है। लेकिन वहाँ सबके चेहरे को देख के कहता है फिर, ठीक है यंग मास्टर ही सही है। अब वो एल्डर ड्वार्फ आके कहता है, हमारे विलेज के चीफ आपको ग्रीट करना चाहते हैं। तभी एक बूढ़ा ड्वार्फ आके कहता है, मैं हूँ एल्डर ड्वार्फ का लीडर एल्ड, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप मुझे लगभग ह्यूमन ही लगते हो, लेकिन आपके सर्वेंट को एक ह्यूमन कमांड नहीं दे सकता। क्या आपको गॉडेस ने मिशन दिया था? मिसुमी कहता है, क्या गॉडेस? मैं उससे कभी कोई मिशन नहीं लूँगा। मेरी बेइज्जती करने के बाद उसने मुझे वर्ल्ड के एक कोने में फेंक दिया, मुझे उसने कोई मिशन नहीं दिया। एल्ड कहता है, ये सुन के अच्छा लगा। हमारा ओपिनियन उस गॉडेस से मिलता नहीं है, लेकिन आपके लिए काम करके हमें अच्छा लगेगा। अब टोमोई कहती है, ये मेरे फॉलोवर्स हैं मिस्टर लिजर्ड्स। ये एक पावरफुल स्पीशीज है जिनके पास वाटर और एयर एट्रीब्यूट्स हैं। मियो कहती है, यंग मास्टर ये मेरे फॉलोवर्स हैं दी एल्क, और उनसे कहती है अपनी बॉडी और सोल यंग मास्टर को ऑफर करने को, और कहती है, इनकी इंसल्ट की तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। अब मिसुमी कहता है, तुम सबसे मिलके अच्छा लगा। और टोमोई और मियो से कहता है कि एल्ड को बता देना सब, और तुम फ्री हो, तुम जहाँ भी रहना चाहती हो, बस लड़ाई मत करना, मैं चलता हूँ। वो कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मिसुमी कहता है, मैं ह्यूमन टाउन में जा रहा हूँ उसे मिलने के लिए। और अब खुश होते हुए जा रहा होता है कि वो फाइनली ह्यूमन से मिलेगा।
जाते वो एक लड़की को देखता है, मगर वो लड़की उसे मॉन्स्टर कह के वहाँ से भाग जाती है। मीसुमी मन में कहता है, वो मुझे देख के भागी, शायद मैं ऐसे पर्सन की तरह दिखता होऊंगा जिसे वो पसंद नहीं करती। आगे वो जैसे ही विलेज के पास पहुंचता है, वहाँ पे सभी लोग उस पर अटैक करने को रेडी होते हैं। मीसुमी उनसे बात करने का ट्राई करता है, मगर उन्हें उसका बोलावा कुछ भी समझ नहीं आता और वो उस पर अटैक कर देते हैं। मीसुमी ह्यूमन से बात नहीं कर पा रहा होता है, और तभी उसे याद आता है कि गॉडेस ने उसे पावर दी थी कि वो ह्यूमन की लैंग्वेज छोड़ के बाकी सभी लैंग्वेज लिख पढ़ और बोल सकता है, और उस गॉडेस को गाली देते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में मीसुमी एमा से कहता है, तुम अमेजिंग हो, तुम बाकी स्पीशीज से बात कर सकती हो, मुझे ह्यूमन लैंग्वेज समझ ही नहीं आई। एमा कहती है, क्या तुम कॉमन की बात कर रहे हो? मीसुमी कहता है, कॉमन? एमा बताती है, कॉमन इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ह्यूमन जो है वर्ल्ड की सबसे प्रॉस्पेरस स्पीशीज है। मीसुमी कहता है, क्या तुम लोग कॉमन बोल सकते हो? ये सभी कहते हैं हाँ। और फिर मीसुमी को बताते हैं कि तुम्हारी लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा अपीयरेंस है। मीसुमी कहता है, क्या मेरा फेस इतना बेकार है? टोमोई तभी जोर जोर से हंसने लगती है और मीसुमी उसे एक मुक्का मारता है। टोमोई कहती है, प्रॉब्लम तुम्हारा माना है जो कि तुम्हारे आसपास है बॉडी के। मीसुमी कहता है, तो मैं उन ह्यूमंस को कैसा दिखा था? टोमोई कहती है, ऐसे ही जैसे बहुत सारे डीमन किंग आ गए हों। एमा कहती है, तुम्हारा माना हम सप्रेस कर सकते हैं, अपना माना फील करो और उसे कम करने का ट्राई करो। मीसुमी वैसा ही करता है और उसे देख के मियो कहती है, वाओ अब एक डीमन कम हो गया। इससे मीसुमी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है, पहले मैं कॉमन सीखूंगा, उसके बाद किसी इक्विपमेंट से अपने मानव को सप्रेस करूंगा। उन्होंने मेरा फेस देख लिया है तो मुझे एक मास्क भी चाहिए होगा। मीसुमी फैमिली का सबसे बड़ा बेटा इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। अब एक हफ्ता गुजर जाता है और मीसुमी काफ़ी परेशान होता है और प्रैक्टिस करते करते लिखना और पढ़ना सीख जाता है। अब दो हफ्ते गुजर जाते हैं और ड्वार्फ उसके लिए एक रिंग लाता है जिससे उसके मानव को सप्रेस कर दिया जाए, और कहता है जो भी इसे पहनेगा वो मर जाएगा। लेकिन मीसुमी जैसे ही उसे पहनता है वो टूट जाती है। ड्वार्फ कहता है, मैं इसे दोबारा बनाऊंगा और अगली बार ये तुम्हें जरूर मार देगा। मीसुमी कहता है, इसका गोल तो चेंज ही हो गया। अब एक महीना गुजर जाता है और मियो मीसुमी को बोलना सिखा रही होती है, लेकिन वो ढंग से बोल ही नहीं पा रहा होता, और मीसुमी तभी एयर में लिखने का सोचता है और कहता है, ये तो बढ़िया है। तभी ड्वार्फ वहाँ पर आ जाता है रिंग लेके और कहता है कि इससे तुम्हारा माना सप्रेस हो जाएगा। मीसुमी उसे पहनता है। ड्वार्फ बताता है कि जब ये लिमिट पे आ जाएगा तब इसका कलर रेड हो जाएगा, तो इसे तब उतार देना। अब मीसुमी का माना जो है सप्रेस हो चुका होता है और मीसुमी अब कहता है, अब मैं ह्यूमन टाउन में जा सकता हूँ। नेक्स्ट दिन में तीनों जा रहे होते हैं ह्यूमन टाउन की तरफ। मीसुमी कहता है, टोमोई ये तुमने क्या पहना है? टोमोई कहती है, मैं एक सामुराई हूँ। और मियो को कहता है, तुम पे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, जिसे सुन के मियो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। अब ये दोनों फ्रूट ट्रांसपोर्ट करने के बहाने से अंदर घुस जाते हैं और एक लड़की इन्हें देख रही होती है। अंदर जाके मीसुमी कहता है, सब कितने ब्यूटीफुल हैं यहाँ पर। टोमोई और मियो कहते हैं, कहाँ हैं ब्यूटीफुल, ये तो एवरेज ही हैं। ये सुन के मीसुमी सैड हो जाता है। अब ये एक एडवेंचरर्स गिल्ड में जाते हैं, जहाँ के रिसेप्शनिस्ट को देख के मीसुमी कहता है, ये भी क्यूट है। वो लड़की कहती है, क्या तुम गिल्ड में रजिस्टर करना चाहते हो? वैसे तुम्हारे कपड़े काफ़ी अजीब हैं। मियो कहती है, ये ट्रेडिंग कंपनी का अगला मालिक है, इस जर्नी में ये श्रापित हो गया। टोमोई कहती है, और ये मास्क और रिंग पहनी है इसने इसलिए, और इस वजह से ये बोल नहीं सकता। और मीसुमी हवा में लिख के बोलता है, हेलो। अब ये लड़की गिल्ड की जॉब्स बताती है इन्हें कि यहाँ पर रैंक होती है जॉब्स की, और उन्हें कंप्लीट करने में तुम्हारी रैंक बढ़ेगी। सब ई रैंक से स्टार्ट करते हैं और कुछ स्पेशल रैंक जॉब्स भी होती है। स्पेशल जॉब कंप्लीट करने में तुम्हारी एक रैंक बढ़ेगी, तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा जॉब कंप्लीट करने में, मगर सेम ही रैंक रहेगी। लेकिन तुम एक ट्रेडिंग कंपनी के होने वाले मालिक हो तो तुम्हें मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करना चाहिए। मीसुमी कहता है, मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड खो दिया। वो कहती है, तुम्हें दूसरा एक टाउन में मिल सकता है बस, जो दूर है यहाँ से, जिसका नाम सीग है। अब मीसुमी बोर्ड पे हाईएस्ट रैंकिंग के एडवेंचरर का नाम पढ़ता है, जिसका नाम होता है मिल्स एस, और रैंक होती है डबल एस, और लेवल 444। अब रिसेप्शनिस्ट जो है मियो और टोमोई का लेवल चेक कर रही होती है, लेकिन इनका लेवल 400 क्रॉस कर देता है। तो वो एक बड़ा सा स्क्रोल लाते हैं जो कि 1600 तक की लेवल को मेजर कर सके। टोमोई का लेवल होता है 1320 और मियो का होता है 1500, जिसे देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। टोमोई कहती है, मेरा लेवल तुमसे कम हो ही नहीं सकता, मेरे लिए दूसरा स्क्रोल लेकर आओ। वो लड़की कहती है, तुम दोनों का लेवल सबसे ज़्यादा है पूरे गिल्ड में, और इन्हें रजिस्टर कर देती है गिल्ड के साथ।
टोमोए उससे नेक्स्ट हाईएस्ट लेवल एडवेंचर के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो ट्रिपल एस रैंक की है जिसका लेवल है 940 और नाम है सोफिया बुलगा, एक ड्रैगन स्लेयर। टोमोए कहती है उसने किस तरीके के ड्रैगन को मारा है। वो कहती है वो एक ग्रेटर ड्रैगन लांसर था। टोमोए कहती है लांसर और उसे बेवकूफ़ कहती है। और अब मिसुमी का लेवल चेक किया जाता है जिसका लेवल निकलता है फिर से 1 और रैंक मिलती है इसे ई। नेक्स्ट सीन में ये रेंट पे रूम देखने के लिए जाते हैं जहाँ पे रेंट होता है 6 गोल्ड कॉइन्स एक रात का। मिसुमी अपनी करेंसी में इसे कन्वर्ट करके कहता है ये तो 6 लाख येन है, लेकिन टोमोए उसे डरा देती है। तो वो बंदा जो है डर के माफ़ी मांगता है उनसे और 2 गोल्ड कॉइन कर देता है एक रात का रेंट। रूम में आके ये बात करते हैं कि यहाँ पे काफ़ी महंगा सामान मिलता है। अब मिसुमी बाहर खाने के लिए जा रहा होता है और टोमोए को सामान को देखने के लिए कहता है क्योंकि उसे शक होता है कि उन्हें कोई फॉलो कर रहा है। टोमोए कहती है तो तुमने भी नोटिस कराई है। मिसुमी कहता है जब से हमने गिल्ड छोड़ा है तब से हमें वो फॉलो कर रहे हैं। टोमोए कहती है और मेरा डिनर? मिसुमी कहता है तुम्हारे लिए नहीं है और वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में रात हो जाती है और टोमोए सामान के पास होती है और कुछ बंदे जो है स्वॉर्ड लेके आ रहे होते हैं और टोमोए जो है रेडी हो जाती है फाइट करने के लिए। दूसरी तरफ मिसुमी और मियो एक साथ होते हैं जो कि डिनर करके आ रहे होते हैं और मियो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। तभी एक बच्ची आती है और उन्हें रोकती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।